मांग है जिंदाबाद 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 DWO मुर्दाबाद 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 जनराज्य चतुर्वेदी। आज अम्बाला जिला शिक्षा सदन में हरियाणा राज्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यूनियन के बैनर तले सरकारी स्कूल के पार्ट टाइम सफाई कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी प्रदर्शन में शामिल हुई। सफाई कर्मचारी सरकार पर अनदेखी करने के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं यूनियन के राज्य प्रधान का कहना है कि सरकार और अधिकारी आपसी चिट्ठियों का बहाना बनाकर कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। नवंबर से बढ़ा हुआ वेतन आज तक कर्मचारियों को नहीं दिया गया। पोस्ट खाली होने के बावजूद स्कूलों में फोर्थ क्लास की भर्तियां नहीं की जा रही है। इसके अलावा यूनियन ने सरकार पर कौशल निगम के तहत कर्मचारियों को हटाने की साजिश का भी आरोप लगाया है। और आज का ये धरना हमने इसलिए देना पड़ा कि ये पार्ट टाइम के कर्मचारी जो स्कूलों में सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, गरीब तबके के हैं, उन कर्मचारियों की मांगों को लेके है कि मतलब ये सरकार कई चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार को अगर अच्छा करना हो तो चिट्ठियाँ नीचे तक जारी नहीं होती, अगर बुरा करना हो तो ये अधिकारी फटाफट कर्मचारियों को बुरा करते हैं। मतलब पिछले साल हमने जनवरी में 22 जनवरी को धरना दिया था 2021 में कि हमारे पार्ट टाइम कर्मचारियों को मतलब जो है सीनियोरिटी लिस्ट बनाई जाए, और डीओ साहब ने आश्वासन दिया था उस टाइम DWO का चार्ज भी डीओ साहब पे था कि हम 28 फरवरी 2021 तक ये मांग पूरी कर देंगे। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि वो मांग आज तक पूरी नहीं हुई। 23 नवंबर को डायरेक्टर एजुकेशन से फिर चिट्ठी जारी हुई कि 15 दिन के अंदर अंदर 2003 के बाद जो पार्ट टाइम कर्मचारी लगे उनकी सीनियोरिटी लिस्ट बना के भेजी जाए, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि सफाई कर्मचारी सरकार से मानदेय बढ़ाने और कर्मचारियों को पक्का करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कर्मचारी यूनियन ने 28 और 29 मार्च को होने वाली हड़ताल में भी शामिल होने का ऐलान किया है। अम्बाला से राजकुमार शर्मा, सत्य खबर। सत्य सटीक बेबाक।